मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा है 10:30 का और आज है सैटरडे। ये है मेरा बेटा। वैसे तो आज सेकंड सैटरडे है, आज होती थी इनको छुट्टी, मींस आज सेकंड सैटरडे इनका ऑफ रहता है, बट इस बार इनका सेकंड सैटरडे ऑफ नहीं है बिकॉज ऑफ इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन की वजह से, है ना। तो ये बेचारा आज सच में मैम कह रही थी कि आपको टाइम नहीं मिलेगा फाइनल पेपर में कवर करने का। मैम कह रही थी, नूतन मैम हमें क्या कह रहे थे, टाइम नहीं मिल पाएगा आपको ज्यादा। किस चीज फाइनल पेपर में किस चीज कवर करने का, क्या कवर करने का? अरे मतलब सिलेबस को क्या कहते हैं, पूरा लर्न करने का आपको टाइम नहीं मिल पाएगा ज्यादा, क्योंकि जल्दी हो जाएगी। तो अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर अगर उसमें से आया एग्जाम में फिर क्या करोगे भाई? कुछ नहीं, क्या करूंगा, पहले पढ़ूंगा उसके बाद लिख दूंगा। इस बार बड़ा मुश्किल है, पता है। हमारे टाइम में तो हम बच्चों को खुद से ही टेंशन होती थी एग्जाम की, बहुत प्रेशर होता था भाई, नींद भी नहीं आती थी। और इस बार नींद ना आने का कारण है कि बच्चों के एग्जाम है, इनको कोई टेंशन नहीं है। अरे हमको टेंशन होती है, लेकिन इस बार मेरे को पता क्यों नहीं टेंशन है, मेरे को पता है, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है कि मैं पास हो जाऊंगा। ये पास थोड़ी ना होना है बेटा, अच्छे मार्क्स भी लाने होते हैं। मार्क्स आएंगे, मेरे को ऊपर भरोसा है। मेरे को पर क्या, मेरे को पर भरोसा है? नहीं, पीरियोडिक टेस्ट में, पता है कि पीरियोडिक टेस्ट में नहीं आ पाए उतने अच्छे, लेकिन फाइनल में आ जाएंगे अच्छे, बहुत तगड़े वाले। तगड़े वाले 60 से अप कर रहूंगा। पक्का 60 से अप, उसको अच्छे वाले थोड़ी बोलते हैं, 70 से अप। चलो अभी तो आप 6th क्लास में हो, मार्क्स तो काउंट होते हैं 65 से 10 प्लस 2 में है जी। 65 से ये कह रहा है कि ये इस बार 65 से अप मार्क्स लेकर आएगा। गाइस भूल गया मैंने कहा। तो मैं बना देती हूँ ब्रेकफास्ट, अभी है इसका ब्रेक, तो ब्रेक में करेंगे हम ब्रेकफास्ट। ब्रेक में ब्रेकफास्ट। ये अकेले में हमेशा ऐसे गुनगुनाता ही रहता है, जब इसकी क्लासेस चल रही होती है तब भी कुछ ना कुछ गाता ही रहता है। क्लास खत्म, ये देखो इन भाई साहब की क्लास खत्म होते ही इनका डांस स्टार्ट हो जाता है। रुक, इसकी एक बात बताती हूँ। इसके पापा हर रोज इसको पूछते हैं कि ये सोप के साथ नहाता है या शैम्पू के साथ नहाता है, शैम्पू से बाल धोता है। तो मैं तो झूठ झूठ भी बोल देती हूँ कभी कभी कि हाँ इसने शैम्पू लगा लिया था। और एक दिन वो आए और देखे कि भाई सोप तो उतना की उतना है, जरा भी जरा भी रगड़ नहीं खाई। उस पर जो लिखा रहता है ना टैग्स अलग, क्या कहते हैं उसे, जो नाम लिखा रहता है सोप के अंदर, वो भी वैसा की वैसा था। भाई मेरी तो चोरी पकड़ी गई। खाना तो नहीं खाओगे आने के बाद? रोज का रूटीन। हर्षित ने ब्रेड ठूस रखे हैं और ये टॉवल ऐसे कैसे पहन दिया हर्षित, बाहर जाके धूप में डाल के? ऐसे नहीं, कच्चा बादाम। हाय कितना भारी बैग है, इतना भारी नहीं जाना साइकिल के साथ। नहीं बेटा, उसकी ब्रेक ही नहीं है। वाटर बॉटल 4 दिन का पानी भर रखा है इस बॉटल में, यही है, पिया ही नहीं और उसी को पानी को लेके जा रहा है। चेंज तो कर ले। हाँ गंदा गंदला सा बच्चा, सड़ा हुआ सा, इतनी जोर से करा ठीक है, नहीं स्पीड में भगाना, ये इसीलिए मैं तुझे साइकिल नहीं देती हूँ। पकड़ इसे, देखो हाय हाय कितना ब्लड आ रहा है। ये कपड़ों की हाल देख कैसे कर दिए, वीडियो बना दो। हाय हाय रुक, मैं इसमें बैंडेज लगा देती हूँ। अच्छे से सो पाई तेरे चक्कर में, मैं कहा आएगा फिर चीखता रहेगा बाहर से मम्मा मम्मा। इस बार मैं यहाँ से आया था ना तो, और मैं अभी मैं मेरे मन में पता क्या चल रहा था, मैंने कहा बस अब वो आने ही वाला है और वापस चिल्लाएगा फिर गुस्सा करेगा। आजा एक बार बैंडेज लगा दो, तो देख के चला कर यार, कटता पीटता छिलता रहता है। जैसे शॉपिंग कराने ले जाते हैं बच्चों को, लेकिन शॉपिंग खुद मम्मी कर लेती है। झूठ है ये, झूठ है। मैंने कब करी, जरा आइयो जरा कब करी, मैं सॉक्स ही है और एक के साथ एक फ्री। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all.
all the bridges between us. तो जी टाइम हो रहा है 6 o'clock का. हर्षित और मैं जा रहे हैं कार में कहीं घूमने तो नहीं गए. हर्षित और मैं जा रहे हैं थोड़ा आगे तक, घूमना भी हो जाएगा. कुछ मुझे घर का सामान लेके आना है. मैं अभी तक हर्षित के पापा जी का वेट कर रही थी. अभी अभी उनका फ़ोन लगा, फिर उनसे मेरी बात हुई. उनका आने का हो चुका है प्रोग्राम कैंसिल. एक्चुअली मैं उनका वेट इसलिए भी कर रही थी, मुझे कुछ सामान मंगवाना था और फाइनली मुझे पूरी भी जाना पड़ेगा. सामान भी लेकर आते हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी हमारी. जिस दिन चाबी गाड़ी में भूल गए थे हम, स्केल उसी दिन का पड़ा है. भैया सोच रहे होंगे, बुक सेलर वाले भैया, कि अभी तक भाई चोर नहीं मेरा स्केल नहीं दिया. मैं दूंगी भैया, दूंगी, डेफिनेटली दूंगी. आऊंगी मैं एक दो दिन, मुझे टाइम नहीं मिल रहा. पहले तो मैं सामान लेकर आने वाली हूँ. मुझे राइस और सॉस और बहुत सारा सामान लेके आना है. और थोड़ा सा आगे तक घूम के भी आएंगे हम. आगे तक मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ, एक ब्यूटीफुल सी जगह दिखाने वाली हूँ. तो चले. पुष्पा नाम समझाए क्या ये जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, ये देखिए, ये है हाईवे. ये इस तरफ शिमला के लिए जाता है और इस तरफ जाता है ये रिकांगपियो के लिए. तो मैं इधर से आई हूँ, रत्नगर इधर से है. तो हम इधर से आए, मुझे एक्चुअली घर के लिए कुछ सामान खरीदना था, तो सोचा थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी. और ये देखिए मेरे पीछे से कितना खूबसूरत व्यू है सतलुज का. और उस तरफ वो सामने आप देख पा रहे होंगे, वो है भद्राश. उस जगह का नाम भद्राश है. यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आए हम इस तरफ को, पता है. पहले तो जब हम इधर रहते थे तब अक्सर हमारा आना जाना होता था, अब तो हमारा आना जाना काफ़ी कम हो गया है. ठंडा ठंडा मौसम है. ये देखिए पीछे कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं. ये मिल्क प्लांट के लिए देखिए जीप रोड, गाड़ी भी जाती है मीन्स. और ये जो रोड है ये आगे स्कूल के लिए जाता है. यहाँ आगे स्कूल है, इस तरफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दत्तनगर. है ना सुंदर जगह. जरूर यहाँ पे आगे से क्लियर दिख रहा है. यस है ना. घर पे बड़े बड़े भाई बोर हो जाते हैं, कभी कभी घूमना भी चाहिए. घर से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है. ये देखिए ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दत्तनगर. यहाँ का प्लेग्राउंड काफी बड़ा है. ये देखिए स्कूल के ग्राउंड का व्यू मैं आपको किसी दिन स्कूल के अंदर जाके ही बताऊंगी. यहाँ का बहुत बड़ा ग्राउंड है ये. और ये रहा मिल्क प्लांट, बच्चे खेल रहे हैं. इस टाइम यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है गर्मियों में, सब लोग घूमने के लिए आ जाते हैं. मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं बहुत से लोग. तो जब हर्षित छोटा था तो हम अक्सर आते थे हर्षित को लेकर. और क्यों साइकिल भी लेकर आए हम कई बार तेरी टिंकर लेके, पता है. बैडमिंटन भी लाया था लेकिन उससे खेलते नहीं. बैडमिंटन भी कई बार खेलते थे हम यहाँ पे. चलो रात हो रही है, चलते हैं सामान लेते हैं फिर चलते हैं घर. आ चुके हैं घर. 6:30 हो रहा है ना. होम अलोन. वॉशरूम का डोर सबसे पहले बंद. मैं तो कुछ खाई नहीं. 6:30 का टाइम हो रहा है, हम आ चुके हैं सामान लेकर घर की. अब बनाऊंगी मैं सबसे पहले चाय. बाहर थोड़ी थोड़ी ठंड लगी थी, अब चाय पीने का मन कर रहा है. ये देखो ये लाया मैंने राइस प्लस मैगी प्लस सॉस, तीन चीजें. सब्जी सब्जी मुझे कुछ जमी नहीं. सब्जी तो मैं लेकर आऊंगी नहीं, कल देखती हूँ. राइस मेरे खत्म हो चुके हैं. मेरे घर में सबसे ज्यादा राइस खाने वाला इंसान मैं हूँ. पुष्पा का भाई भूत सवार है सभी बच्चों पे. इतने इतनी छोटे छोटे बच्चों से लेकर पुष्पा पुष्पा करते रहते हैं. इतना पढ़ाई कर लो ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा. मैं ये पिएगा ये. और मैं ये देगा ये. क्या ये. तो जी टाइम हो रहा है 7:30 के आसपास का. ये देखिए 7:20 मिनट, 7:20 मिनट हो चुके हैं. पूजा मेरे बेटे ने कर ली है.
क्या खाना आपको बता? भूख नहीं है इसको, तो भूख है नहीं, तो मुझे भी कुछ खास भूख है ही नहीं। कुछ मन करेगा तो मेरे पास आलू की स्टफिंग पड़ी है सुबह की, पराठे, ब्रेड भी है, ब्रेड भी है, चाय वाय, दूध वूध कुछ भी, सब्जी भी है, वैसे कद्दू की सब्जी भी बची है, बहुत कुछ है खाने के लिए, लेकिन भूख नहीं है। भूख नहीं है, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है बट भूख नहीं है। तो हर्षित के पापा आते तो फिर बात कुछ अलग होती है, नहीं आते तो हम दोनों का तो भी चल जाता है, दिन का भी बचा हुआ खाना रखा होता है वो हम खा लेते हैं। अनिल जी आते हैं तो मुझे स्पेशली बनानी पड़ती है सब्जी रोटी। चलो फैमिली के साथ की बात कुछ अलग होती है। आज वीकेंड था तो आज भी मैं अपनी वीडियो की जल्दी एंडिंग कर लूँगी, आँखें मेरी बिल्कुल ऐसी होगी, या तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कि नींद ना आने का रीज़न क्या है, और आईज का भी चेकअप करवाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ और रीज़न की वजह, आँखों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही होगी। देखते हैं मंडे नहीं तो ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे को एक दिन मैं ज़रूर डॉक्टर के पास जाकर एक बार अपनी आईज चेक और पूछूंगी कि नींद क्यों नहीं आ रही है। तो मैं अपनी वीडियो की करती हूँ एंडिंग, मिलती हूँ आपको कल यानी संडे को एक अच्छे ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज बेबीज ब्लॉग। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।